अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन दिस इज शगुफ्ता टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इम्पोर्टेंट शीट सो आर यू रेडी लेट्स स्टार्ट देखिए फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिफाइन यू शीट रिलेटेड फ्रॉम होटल रूम रिजर्वेशन इफ कस्टमर कैम एंड वॉन्टिट टू बुक रूम फॉर थ्री डेज सो ही हैव टू पे बिल ऑफ़ सेवन डेज इफ़ ही वॉन्ट टू बुक रूम फॉर एट डेज सो यी हैव टू और शी हैव टू पे पेमेंट ऑफ टू वीक्स यानी कि अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है और कहता है कि उसे थ्री डेज के लिए रूम बुक करना है तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है क्योंकि ये होटल रूम रिज़र्वेशन के हवाले से हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि अगर कोई कस्टमर तीन डेज़ के लिए थ्री डेज के लिए रूम बुक करवाता है तो वो सेवन डेज़ का पूरा जो है ना बिल की पेमेंट करेगा मतलब कि रूम्स की पेमेंट करेगा अगर कोई कस्टमर जो है एट डेज़ के लिए रूम बुक करवाता है तो उसको पूरी टू वीक्स का जो है बिल पे करना पड़ेगा अगर कोई कस्टमर ट्वेंटी डेज़ के लिए रूम बुक करवाता है तो उसको बिल पूरा थ्री वीक्स का पे करना पड़ेगा तो हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें हम फार्मूला लगाना चाह रहे हैं कि हम इसमें फार्मूला लगाएं और हम यहाँ रिक्वायरमेंट्स डालें जैसे कि मैंने अगर यहाँ रिक्वायरमेंट्स डाली कि भाई इतने दिन के लिए रूम बुक करवाना है तो फ़ौरन यहाँ डेज टू बी बिल्ड में जो है उसका जो है आ जाएगी भाई इसको इतने दिन के लिए जो है पेमेंट मतलब इतने दिन की पेमेंट करनी है तो हमने यहाँ कैटेगरीज बनाई हुई है नेम लिखे हुए हैं कि भई ये किसके नेम है कस्टमर्स के नेम है डेज़ रिक्वायर्ड यानी कितने दिन के लिए वो रूम बुक करवाना चाहता है डेज़ टू बी बिल्ड मतलब कि कितने दिन की फिर उसे पेमेंट करनी है तो एक्चुअली ये तो हमने ख़ुद से लिखा है कि ये जो है कस्टमर ने इतने दिन के लिए जो है ना रूम बुक करवाना है जहरी बात है जब कस्टमर हमें बताएगा तो हम यहाँ टाइप करेंगे तो उसी हवाले से फिर उसी के लिहाज से यहाँ डेज टू बी बिल्ड में फार्मूला लगा हुआ है वो खुद खुद यहाँ ये यह फार्मूले की वजह से बता देगा कि भाई इतने दिन की इससे पेमेंट आप ले लें ठीक है जी तो डेज टू बी बिल्ड में हम फार्मूला लगाएंगे और वो क्या फार्मूला है इज इक्वल सीलिंग ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट डेज रिक्वाइर्ड ठीक है जी और कॉमा अब हम किसी हवाले से बना रहे हैं देखिए सबसे पहले हमने नंबर यानी ये सिलेक्ट कर लिया हम बना रहे हैं वन वीक के हवाले से कि जो भी यहाँ जो है ना डालेंगे तो वो वीकली जो है ना आए ठीक है जी वीकली के हवाले से पेमेंट यहाँ शो हो डेज शो हो तो हम सेवन डेज आये बात है दे आर आर सेवन डेज इन सो दैट्स वी विल राइट सेवन ठीक है सेवन लिख दिया हमने और ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे और एंटर कर देंगे ठीक है जी अब इसने बता दिया अब देखिए जब हम एक बार तब फार्मूला लगाते हैं तो जब ब्रैक करते हैं तो इट विल बी ऑटोमेटिकली अप्लाई ऑन ऑल वैल्यू वो सारी वैल्यू पर क्या होगा अप्लाई हो जाएगा ठीक है जी अब जैसे ही आप यहाँ डेज डालेंगे अगर वो वन वीक से ज़्यादा होंगे एक दिन भी ज़्यादा होगा तो टू वीक्स का बिल बता देगा और जैसे ही आप यहाँ डेट डालेंगे अगर वो टू वीक्स से एक थ्री वीक से एक दिन भी कम होंगे लेकिन बिल पूरा रही बात थ्री वीक्स का देना पड़ेगा ठीक है जी अब सेकंड कैटेगरी हमारे पास रेंट आ कार के हवाले से हमने ये शीट बनाई हुई है देखिए ये हमारे पास जो है कस्टमर्स के नेम हैं यूनिट टू बी मूव अब देखें फर्स्ट करें हम रेंट आ कार का बिजनेस कर रहे हैं कोई कस्टमर हमारे पास आया और दे वांटेड टू बुक कन्वेंस फॉर थाउजेंड पैसेंजर ठीक है वो आया उसको ने कहा कि भाई हमें थाउजेंड पैसेंजर के लिए कन्वेंस चाहिए और किस दिन के लिए चाहिए ये तो सारी बातें बता देते हैं अब हमारे पास जो अभी कन्वेंस अवेलेबल है देखिए ये तो ये हेडिंग्स हैं ये कस्टमर्स नेम है यूनिट टू बी मूव कितने पैसेंजर के लिए यानी कितने कस्टमर्स के लिए कन्वेंस चाहिए अब ट्रक कैपेसिटी या फिर आप कन्वेंस कैपेसिटी या कार कैपेसिटी या हाई रूफ कैपेसिटी हाईस्ट कैपेसिटी कुछ भी लिख सकते हैं या हमारे पास जो भी कन्वेंस अवेलेबल है ना उसमें एक कन्वेंस में थ्री हंड्रेड बैठ सकते हैं तो यहाँ हम हमेशा वो टाइप करेंगे जितने पैसेंजर के लिए हमें कन्वेंस चाहिए और यहाँ हम लिखेंगे जितनी एक कन्वेंस में कस्टमर बैठ सकते हैं अब ट्रक नीडिड में देखिए हम फार्मूला लगाएंगे क्यों फार्मूले से हमें पता चलेगा कि हम हमने जो कन्वेंस है वो कितनी बुक करनी पड़ेगी जाहिर बात है हम जब कस्टमर के लिए किसी भी दिन के लिए किसी भी टाइम के लिए कन्वेंस बुक कर लेंगे तो फिर तो वो रिजर्व हो जाएगी ना तो ये शीट हमारे काम को आसान कर देगी फार्मूले से हमें बता देगी कि भाई इतनी कन्वेंस आप बुक कर लें ठीक है जी ये कस्टमर्स हैं जितने कस्टमर्स जो है हमें जो है कन्वेंस में बिठाने हैं और हमारे पास जो कन्वेंस है वो एक में इतने बैठ सकते हैं तो इससे हमें फार्मूले से पता चलेगा कि कितनी कन्वेंस हमारे पास के ट्रक की कैपेसिटी के हिसाब से हमें बुक करनी पड़ेगी जो रिज़र्व करनी पड़ेगी ठीक है जी तो इसमें हम फार्मूला लगाएँगे तो फार्मूला हमारा क्या है इज़ इक्वल सीलिंग ब्रैकिड ओपन सेलेक्ट यूनिट टू बी मूव डिवाइड सिलेक्ट ट्रक कैपेसिटी ठीक है जी तो क्या करेंगे जितने कस्टमर्स जो हैं जितने मुसाफिर जो हैं उनकी जो तादाद हैं उसको डिवाइड कर देंगे किससे हम ट्रक कैपेसिटी से यानी कि एक में यानी कि एक कन्वेंस में जितने बैठ सकते हैं तो फिर एक के हवाले से बता देगा कॉमा और फिर उसके बाद हम वन डाल देंगे वन क्यों डाल देंगे क्योंकि हमें चाहिए एक के हवाले से कि एक के हवाले से जो है फिर कितनी जो है ना बुक हो जाए ठीक है जी ये इसको डिवाइड कर दें यूनिट टू बी मूव को ट्रक कैपेसिटी यानी कि उससे कि एक में कितने बैठ सकते हैं और फिर जो है जैसे ही हम जो है इसमें डालेंगे इस हवाले से जो है ना फिर बता देगा कि भाई इतने कस्टमर हैं तो आपके पास जो कन्वेंस है उसमें जो है इतनी कन्वेंस बुक करनी पड़ेगी तो ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे हम एंटर कर देंगे अब देखिए बता रहा है ये कह रहा है कि जो है ना फोर ट्रक नीडेड यानी या कन्वेंस नीडेड यानी कि इतनी कन्वेंस रिक्वायर्ड होगी अब देखिए आप फाइव थाउजेंड जो है पैसेंजर हैं और हमारे पास जो कन्वेंस है उसमें सिक्स हंड्रेड बैठ सकते हैं तो अब हम हार मिले को ड्रैक कर देते हैं तो खुद ब खुद बता देगा कि भाई इतनी कन्वेंस बुक करनी पड़ेंगी यानी कि नाइन आपको जो है ये वाले जो ट्रक हैं ये बुक करने पड़ेंगे सिक्स पैसेंजर एक में बैठ सकते हैं और आपको जो है जो कस्टमर आया है उसको फाइव जो है पैसेंजर के लिए कन्वेंस चाहिए ठीक है जी तो ये थी हमारी आज की क्लास इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्लास सो यू कैन आस्क इन कमेंट डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल रिमेंबर मी इन योर प्रेयर अल्लाह हाफिज़